देखिए, अपने बात कर रहे थे फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन की, और फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन से अपने हाथ से चलाने वाले उपकरणों के बारे में पढ़ लिया था, और अपने सेकंड बात कर रहे थे पाइपलाइन के जरिए फायर फाइटिंग करने वाले साधन। देखिए, पाइप जरिए के द्वारा जो अपने फायर फाइटिंग करते हैं उसमें अपने सबसे पहले राइजिंग मैंस की बात कर लिए थे, और राइजिंग मैंस के प्रकार की भी अपने बात कर ली थी। देखो, राइजिंग मैंस एक सीधा पाइप होता था, उसके जरिए अपना क्या करता है कि नेक्स्ट आगे अपने बात करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम। देखिए, स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम भी एक पानी के द्वारा फायर फाइटिंग करने का उपकरण होता है, या फिक्स फायर फाइटिंग करने का उपकरण होता है। ये अपने जो भी हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, या सिनेमा प्रोजेक्टर होते हैं, उनमें आपका ये निकलने का मतलब होता है कि एक फुहार के रूप में या स्प्रे के रूप में फाइटिंग करने का काम करता है। इसमें क्या होता है, देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्य आपके तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। चलिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि अपना एक तो स्प्रिंकलर जो सिस्टम होता है, जैसे एक तो होता है अपना वेट प्रकार का, कौन सा होता है? वेट प्रकार का। दूसरा होता है अपना ड्राइव प्रकार का, और एक अपना होता है अल्टरनेटर प्रकार का। कौन सा होता है? अल्टरनेटर। यानी कि ये स्प्रिंकलर के प्रकार होते हैं, कि स्प्रिंकलर मुख्य तीन प्रकार के होते हैं, ड्राइव प्रकार का, अल्टरनेटर प्रकार का, और आपका वेट प्रकार का। तो ड्राइव प्रकार के अपने जैसे राइजिंग मैंस की बात करे थे, वैसे ही इसमें क्या होता है कि जैसे अपनी छत होती है, उस छत के ऊपर क्या कर दिया जाता है, एक अपना पाइप जाल बना दिया जाता है, और पाइप जाल बना के और अपने आठ से दस फुट के बीच में उनमें क्या कर दिया जाता है, स्प्रिंकलर हेड स्थापित कर दिए जाते हैं। यानी कि स्प्रिंकलर हेड अलग प्रकार के होते हैं, और स्प्रिंकलर अलग प्रकार के होते हैं। यानी कि स्प्रिंकलर से जुड़ा हुआ पार्ट रहता है स्प्रिंकलर हेड, जो ऊंचाई की तरफ लगा हुआ रहता है, और ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहले हम बात करते हैं वेट प्रकार का। तो देखो, वेट प्रकार का होता है, उसमें पानी से भरा हुए, यानी कि जो भी पाइप अपने जाल उसमें बिछाते हैं, वो पाइप यानी कि पानी से भरे हुए रहते हैं, और उनके आउटलेट की तरफ अपने क्या लगा देते हैं, स्प्रिंकलर हेड लगा देते हैं। और स्प्रिंकलर हेड मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपना क्वार्टेज ब्लब, यानी कि क्वार्टेज ब्लब टाइप, और दूसरा होता है अपना कोई भी लिक्विड, यानी कि कोई भी उसमें अपने कह सकते हैं, यानी कि फिजिबल लिक्विड टाइप। तो पहले अपने बात करते हैं कि जो स्प्रिंकलर हेड होता है, उस स्प्रिंकलर हेड कैसे वर्क करता है। देखिए, एक बार स्प्रिंकलर देखिए आप लोग, इस प्रकार से अपना क्या होता है कि ये पाइप जाल, जैसे अपने बात करे थे राइजिंग मैंस की, यानी कि राइजिंग मैंस एक खड़ा पाइप होता है, और उसके आगे अपने क्या करते हैं, जैसे अपनी छत वगैरह रहती है, उसमें अपने पाइपों का जाल बना दिया जाता है, और 8 से 10 फीट दूरी पर या फुट दूरी पर अपने क्या कर देते हैं, स्प्रिंकलर, यानी कि इसके आउटलेट में क्या लगा दिया जाता है, स्प्रिंकलर हेड लगा दिया जाता है। और ये इनके 8 से 10 फीट मध्य की क्या रहती है, दूरी रहती है, यानी कि इतने की दूरी पर क्या बने हुए रहते हैं, एक जाल रहता है, और उनके आगे की तरफ एक स्प्रिंकलर हेड लगा देते हैं। देखिए, वाटर फ्लो अलार्म, यानी कि कहने का मतलब होता है कि अपना जो देखो राइजिंग मैंस तो केवल पानी की ही प्राप्त करने का काम कर रहा था, कि जब आग लग जाती है या फायर हो जाती है, उस समय अपने पानी प्राप्त करते हैं। स्प्रिंकलर हेड, स्प्रिंकलर जो होता है वो अपने क्या करता है कि आग लगने की अपने को सूचना, यानी कि अपने को चेतावनी या अलार्म बजाकर अपने को क्या करता है, सूचना देने का काम भी करता है। दूसरा, ये कहने का मतलब होता है ऑटोमेटिक यानी कि सिस्टम होता है, जो यानी कि जैसे ही आग लगने पर तुरंत क्या कर देता है, ये फाइटिंग करने का काम, यानी कि पानी के द्वारा फाइटिंग करने का काम है, कर देता है, यानी कि पानी के द्वारा ऑपरेट करने वाला ये सिस्टम होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। देखिए, स्प्रिंकलर हेड अपने, ये स्प्रिंकलर हेड, स्प्रिंकलर तीन प्रकार के होते हैं। ड्राई प्रकार का स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें अपना सूखा पाइप रहता है, पानी नहीं रहता, उसमें अपने कह सकते हैं कोई भी नाइट्रोजन गैस या अपनी जैसे CO2 गैस होती है, H2O, वैसे नाइट्रोजन गैस का दबाव युक्त, अपने वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होती है, और उसमें क्या कर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस यानी कि स्थापित करके और उसको ड्राइव कर दिया जाता है, यानी कि सूखा पाइपों का एक जाल होता है। जैसे ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर इस प्रकार का सिस्टम लगाया जाता है। दूसरा होता है अपना वेट प्रकार का। वेट प्रकार के में पानी भरा हुआ रहता है, यानी कि जो पाइप जाल होता है वो पहले अपने पानी से भरा हुआ रहता है, और अपने जो भी वाटर सप्लाई रहती है पवन की, उससे उसको क्या कर दिया जाता है, या शहर की जो भी वाटर सप्लाई रहती है उससे अपने उसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अपना अल्टरनेटर, जहाँ पर अपने क्या कर सकते हैं, यानी कि ठंडे मौसम या अपना जैसे नॉर्मल मौसम होता है, वहाँ पर उसको अपने ड्राइव प्रकार के या अल्टरनेट यानी कि अपने वेट प्रकार के, दोनों की तरह अपने इसको क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। देखिए, स्प्रिंकलर हेड, स्प्रिंकलर हेड अपने दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना फ्यूजेबल सोल्डर टाइप स्प्रिंकलर हेड, यानी कि जो स्प्रिंकलर हेड होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, फ्यूजेबल यानी कि फ्यूजेबल सोल्डर टाइप स्प्रिंकलर हेड, और दूसरा होता है अपना ब्लब टाइप, यानी कि ब्लब क्वार्टेज टाइप अपना क्या होता है, स्प्रिंकलर हेड होता है। देखिए, इनके डायग्राम भी देखिए आप लोग, जैसे ये अपना एक ब्लब टाइप फ्यूजेबल सोल्डर होता है, एक बार मैं इसको प्रैक्टिकली रूप में भी बता देता हूँ आपको।
ये देखिए इस प्रकार का होता है, यानी कि ये आपका स्पिकुलर हेड होता है, नीचे की तरफ इसमें क्या होती है डिफ्लेक्टर प्लेट होती है, ये अपने क्या होती है इसमें डिफ्लेक्टर प्लेट होती है, और अंदर की तरफ इसमें क्या होता है कोई भी आपका बता सकते हैं गिल्स रिंग, यानी कि एक अपना लिक्विड पदार्थ भरा हुआ रहता है, यानी कि इसमें गिल्स रिंग पदार्थ भरा हुआ रहता है, जो इसके कलर कोड पे डिपेंड करता है कि इसमें अपने लाल कलर भर रखे हैं। देखिए सबसे ज़्यादा लाल का भी हो सकता है या अपने को ब्लैक कलर का भी, सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर होता है और सबसे कम आपका नारंगी होता है, और अपने को रेड कलर का जो होता है वो 68, यानी कि एक सारणी के जरिए इनको अपने को याद करना पड़ेगा कि इनके अंतर्गत जो अपने लिक्विड भरते हैं ये एक निर्धारित टेम्परेचर पर काम करता है। जैसे मानिए इसका टेम्परेचर का मान 68 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो उस समय क्या होता है कि ये लिक्विड क्या करता है, यानी कि इसमें जो अपने गिल्स रिंग भर रखे हैं ये टेम्परेचर पे काम करता है निर्धारित टेम्परेचर से ही। जैसे अगर अपना टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है फैलता है, और फैलने के कारण इसका ये जो फ्यूजिबल जो भी अपना बल्ब कार्टेज है, कांच की ट्यूब या बल्ब टाइप है, ये टूटेगा, और टूटने के बाद में ये क्या करेगा इसके डिफ्लेक्टर प्लेट पे प्रेशर से पानी गिरेगा, तो वो क्या करती है फुहार के रूप में या स्प्रे के रूप में फाइटिंग या पानी को पानी के द्वारा फाइटिंग करने का काम करती है या आपको बुझाने का काम करती है। देखिए इसका टेम्परेचर अपना नारंगी रंग होता है उसका 57 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अपने लाल जो नारंगी होता है लाल रंग होता है उसका 68 होता है, अपने पीले का 79 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हरे का अपना 93 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नीले का 141 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और काले का अपना 227 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फिर अगर अधिक काले की अगर बात करते हैं तो 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सबसे ज़्यादा देखो एक तो लाल का 68 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अपने नारंगी का भी अपने को याद करना है कि 57 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इनका अपने को टेम्परेचर बिंदु भी अपने को याद करनी होगी, क्योंकि इससे अपने क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार भी अपना क्वेश्चन आया था कि अंदर की तरफ जो लिक्विड भरते रहते हैं या अपना ब्लब टाइप होता है उसमें कलर कोड यानी कि कितने टेम्परेचर के आधार पर काम करता है, तो अलग अलग कलर होता है उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग टेम्परेचर पर निर्धारित काम करता है। तो ये तो होता है स्पिल कलर है, दूसरा अपना होता है ब्लड टाइप में भी अपने ऐसे पदार्थ रखते हैं, यानी कि कोई भी अपने मिश्र धातु के द्वारा इसमें अपने एक पदार्थ के द्वारा अपने इसमें तैयार करके रखते हैं, जो आपका निर्धारित टेम्परेचर से क्या हो जाता है पिघल जाता है, और पिघलने के बाद में वो भी क्या करने लगता है आपका फायर फाइटिंग करने लगता है। तो देखिए स्पिकलर से अपने क्वेश्चन आ जाएंगे कि स्पिकलर कितने प्रकार के होते हैं, स्पिकलर हेड कितने प्रकार के होते हैं, स्पिकलर हेड में जो फ्यूजेबल होता है या ब्लब टाइप होता है उसमें कौन सा पदार्थ रखा जाता है, लाल कलर कौन से कलर पे काम करता है, तो ये भी अपने किसके अंतर्गत आते हैं फिक्स परफेक्टिंग इंस्टॉलेशन के अंतर्गत आते हैं। तो अपना ये स्पिकलर वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, इससे अपने को रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पिकलर के प्रकार, तो स्पिकलर मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, पेट प्रकार का स्पिकलर सिस्टम, ड्राइव प्रकार का और अल्टरनेटर प्रकार का। स्पिकलर हेड 2 प्रकार के होते हैं, अपना फ्यूजेबल और अपना ब्लब टाइप यानी कि ब्लब कार्टेज टाइप फ्यूजेबल हेड यानी कि स्पिकलर हेड। तो देखिए ये अपना कोई भी हाई राइज बिल्डिंग होती है या कोई भी सिनेमा वगैरह रहते हैं या कोई भी अपने कॉम्प्लेक्स वगैरह रहते हैं वहाँ पर जैसे प्रारंभिक स्थिति में आग से लड़ने के लिए स्थापित रहता है, और ये पाइप जाल के जरिए स्थापित रहते हैं और ये फाइटिंग करने का काम करते हैं। दूसरा अपना फोम प्रकार के भी होते हैं स्पिकलर हेड, वो आगे अपने बात करेंगे, ये वाटर के टाइप के आधार पर अपने बता सकते हैं कि ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। आगे नेक्स्ट अपने फिर जो भी अपने पाइप जाल के जरिए अपना जैसे डाउन कमर क्या होता है, अपना ड्यूज सिस्टम क्या होता है, इनके बारे में भी अपने बात करेंगे।